दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, जिसके गले में होती है ये जड़, वो व्यक्ति धनवान बन जाता है। स्वयं भगवान विष्णु ने इस जड़ की प्रशंसा की है एवं इसे दुर्भाग्य दूर करने की चाबी भी बताई है। आज अपने फायदे के लिए आज का जो वीडियो है पूरा जरूर देखना। आप भी इस जड़ को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हर किसी के घर में, चाहे वो कोई भी हो, ये जड़ उसके घर में सदैव होती है, लेकिन पता नहीं होता। ये जड़ आपके लिए संजीवनी बूटी है। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही मकसद होता है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो हम सरल से सरल वही उपाय बताते हैं जो साधारण से साधारण व्यक्ति कर सके। जो आज हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, ये तुलसी की जड़ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तुलसी की जड़ से दुर्भाग्य दूर करने वाला सबसे सरल और आसान विधि बताएंगे। और तुलसी की जो जड़ है, इसकी छाया के नीचे स्वयं भगवान विष्णु जो हैं, शालिग्राम बनकर के निवास करते हैं और पत्थर के रूप में रहते हैं। इसलिए स्वयं भगवान विष्णु भी तुलसी का जो पौधा है, इसकी प्रशंसा करते हैं। और भगवान, कहा जाए तो विष्णु जी को बिना तुलसी के भोग अगर 56 प्रकार के भोग लगा दे, तब भी स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, तुलसी को हम हिंदू धर्म में अपनी माँ के रूप में मानते हैं और हम माँ के रूप में तुलसी मैया की पूजा भी करते हैं। इसे हम पवित्र पौधा मानते हैं और ये हमारे लिए माता स्वरूप है। ये हमारे घर की नकारात्मक शक्ति को दूर करती है और सदा हर हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा आंगन में अवश्य लगा होता है। तो इसका मैं धन प्राप्ति करने वाला सबसे सरल और आसान टोटका बताऊंगा, सरल विधि बताऊंगा। धन वैभव के साथ ये आपके शरीर को निरोग रखता है, नकारात्मक शक्ति को दूर करता है। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले आप चाहते हैं कि इस प्रकार की और भी जानकारी आपको आने वाले टाइम में मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आप सच में माता रानी तुलसी मैया का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता तुलसी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ तुलसी आपके सभी बिगड़े कार्य अवश्य पूर्ण करेगी। देखिए, इसका जो मैं प्रयोग बताने वाला हूँ, आप इसे किसी पेन कॉपी पर इसे नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियाँ कोई भी नहीं बताने वाला। बहुत ही कम लोग बताते हैं और बहुत ही कम लोगों को इसकी नॉलेज होती है। गुरु जी की हमें असीम कृपा से सारी जानकारी हमें प्राप्त है, इसलिए हम चाहते हैं आप सभी का भला हो, कल्याण हो। तो दोस्तों, नौ ग्रह का अगर किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, उसे शांत करना चाहते हो, शनि दोष हो, रवि दोष हो, किसी भी प्रकार के दोष हो, तो इसकी जड़ को ताबीज में भर के पहनने से सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। दूसरा उपाय सुन लीजिए, तुलसी की जड़ में नित्य अगर आप जल में थोड़ा सा शुद्ध दूध डालने के बाद और इसे अगर आप हफ्ते में एक बार अर्पण करते हैं तथा चढ़ाते हैं, तो इससे भी नवग्रह के दोष दूर होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपका घर धन संपदा से भरा रहता है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से तुलसी के दर्शन करते हैं, तो वो स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन करता है। ऐसा व्यक्ति भगवान श्री हरि का आशीर्वाद पाता है। नकारात्मक शक्ति को काट देता है ये उपाय। अगर तुलसी की जड़ को आप माला बनाकर के पहनते हैं, तो ये नकारात्मक शक्ति को सोख लेता है और इसे शून्य कर देता है। तुलसी और बेल ये एकमात्र ऐसे पौधे हैं जो नकारात्मक शक्ति को सोख लेते हैं और अपने अंदर इसे समाहित करके शून्य में कर देते हैं। इसकी जड़ अगर आप मुख्य द्वार पर लटका देते हैं, तो घर का बंधन हो जाता है, कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में नहीं आ पाती है। यानी अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए, तो शास्त्रों के अनुसार रामायण काल में जो रेखा लक्ष्मण ने खींची थी, तो ये रेखा भी आपके भवन के लिए वही काम करती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसे अंत तक जरूर देखना, नहीं तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। तो धन प्राप्त करने के लिए इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में पहनने से धन आने का हर मार्ग खुल जाता है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी हो रही होती है और माँ तुलसी की कृपा भी प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में तीन महाशक्तियों की कृपा प्राप्त हो रही है, तो इससे व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा धनवान बन जाता है और उसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति अपने बुरे प्रभाव में नहीं ले पाती है। तो इससे अच्छा सुरक्षा कवच हो ही नहीं सकता। इसकी जड़ की मिट्टी अगर प्रतिदिन जो भी व्यक्ति लगाते हैं, तो ये संभव शक्ति बढ़ाते हैं, ये सामने वाले को वश में करने का काम करते हैं और इससे मन हमेशा शांत रहता है
और ये दुर्भाग्य को दूर कर देता है। दोस्तों, इसकी जड़ और लक्ष्मणा की जड़, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इसकी जड़ और लक्ष्मणा की जड़ रखने से अचानक धन की प्राप्ति होती है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है और ढूंढने पर भी जो है आपको लक्ष्मणा की जड़ मिल जाएंगी। और आप अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आप जो है तुलसी की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हमारे हिंदू धर्म में काफी पूजनीय बताया गया है और हम इसकी पूजा भी करते हैं। ये जड़ हमारे दुर्भाग्य को दूर करती है और हमारे सौभाग्य को बदलने के लिए इसकी जड़ काफी है। दोस्तों, तुलसी की छोटी छोटी जानकारियां जो हैं आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है तो आप ये जानकारी जरूर पूरी देखें। दोस्तों, नंबर 1, रिसर्च के अनुसार चाय में सेवन करने से या फिर एक पत्ता तुलसी का खाने से कैंसर की बीमारी कभी नहीं लगती। कैंसर तो जैसे कोसों दूर रहता है। दोस्तों, नंबर 2, तुलसी का पौधा सकारात्मकता से भरा होता है जो घर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे में महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, चेहरे की चमक के लिए खासकर तुलसी बहुत ही फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से कील मुहासे सब खत्म हो जाते हैं और चेहरा एकदम साफ हो जाता है। तुलसी में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने पर और हाथ जोड़कर व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाता है। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपको कहीं चोट लग गई हो तो तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाकर लगाने से घाव बहुत जल्द ठीक हो जाता है, क्योंकि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो घाव को पकने नहीं देता। दोस्तों, नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंग से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, नंबर 7, अगर आपको सर्दी या फिर हल्का सा बुखार है तो मिश्री काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को पानी में अच्छी तरह से पकाकर उसका काढ़ा पीने से बहुत ही फायदा मिलता है। दोस्तों, नंबर 8, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 9, यदि आपका कारोबार कम चलता हो या पूरी तरह से ठप हो गया हो तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। दोस्तों, नंबर 10, जहां पर अस्थाई रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूल कर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं, बल्कि जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 11, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आएं और नियमित इसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। दोस्तों, नंबर 12, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, वो प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, नंबर 13, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतार कर घर के पीछे की तरफ रख दे, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, नंबर 14, तकिए में रखें तुलसी के पत्ते। परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते खा लें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते
फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह खा लें। ये नियम अपनाएं और देखें चमत्कार। दोस्तों नंबर 15, तुलसी की माला। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान होते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर कभी नहीं लगती। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। दोस्तों नंबर 16, यदि आपका हर कार्य असफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांध कर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों नंबर 17, जो व्यक्ति तुलसी का पाउडर इस्तेमाल करता है तो वो हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। दोस्तों नंबर 18, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह कराता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करती है। दोस्तों नंबर 19, तुलसी को कौन सी दिशा में रखें? दोस्तों आप किसी की भी बात ना माने, शास्त्रों के अनुसार और वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए सबसे उत्तम है। दोस्तों नंबर 20, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाएं तो बृहस्पति बार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं, और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें और ना ही गणेश की प्रतिमा को। दोस्तों कौन कौन चाहता है तुलसी माता की कृपा उस पर बरसे? अगर आप चाहते हैं तुलसी माता सदैव आपके घर में अपना स्थान बनाए रखे तो कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता लिखना कभी ना भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें। माता रानी अपने भक्तों को कभी निराश ना करे।